मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत दिन के बाद ये ब्लॉग कर रहा हूँ और अभी मैं हूँ अपने गांव में रामचंद पे। टाइम अभी 8 बज गया और अभी टेम्परेचर यहाँ का 3 डिग्री है। अभी धूप निकलने के वजह से थोड़ा अच्छा हो गया। तो आज गैंगटॉक जाना है, वो भी ऊपर के रास्ते से छांगू होते हुए। अपना गोप्रो का बैटरी डाउन है, चार्ज नहीं किया, इसीलिए ये बाइक पे ही कनेक्ट किया हो। तभी थोड़ी देर के बाद गोप्रो को ऑन करके गोप्रो का फोटेज दिखाएंगे। और हमारे गांव में ये होटल भी है, 3-स्टार होटल बोइंट गेंज रिजॉर्ट। बुकिंग ऑनलाइन हो जाता है लेकिन थोड़ा महंगा है। और ये जो सिल्क रूट है, सिल्क रूट एरिया में यही है सबसे बड़ा होटल और सबसे लग्जरियस होटल। अभी बहुत ठंड है भाई। अभी एंटर कर रहा हूँ पाइन फॉरेस्ट। यहाँ पे पूरा पाइन ट्री है। अभी पूरा बैक कटिंग का काम चल रहा है, रोड एक्सटेंशन का। तो इसके वजह से थोड़ा रोड का कंडीशन खराब है। पूरा ऑफ रोडिंग हो गया इधर तो। धूप लगने से बढ़िया है भाई। होप कि दिन अच्छा हो आज का, वरना ऐसे ठंड में तो मर जाएगा भाई आदमी लोग। आज तो राइडर भी बहुत कम है, सिर्फ मैं ही हूँ। और यहाँ से मौसम कुछ इस तरह का है। अभी बर्फ बहुत पिघल गया है। रास्ता थोड़ा विजिबल हो रहा है नीचे तक। मेन व्यू पॉइंट ऊपर है जो कि यहाँ से अराउंड 10 किलोमीटर्स जैसा होगा, थम्बी व्यू पॉइंट बोल के। वहाँ से पूरा सिल्क रूट का नज़ारा दिखता है। अभी मैंने सिल्क रूट का सिर्फ 20% ही कवर किया है, और भी ऊपर जाना है भाई। यहाँ पर सिर्फ नज़ारा ही नहीं, रास्ते को भी देखना है क्योंकि रोड थोड़ा छोटा है, नैरो रोड है। अभी सुबह का 9 बज गया है और मैं पहुंच गया थम्बी व्यू पॉइंट। और यहाँ से नज़ारा कुछ इस तरह का है अभी, पूरा फॉग की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है भाई। और इस साइड से थोड़ा क्लियर है और वहाँ पर कंचनजंगा भी विजिबल हो रहा है इधर से, लेकिन विजिबिलिटी उतना अच्छा नहीं है। आज जाना है मुझे इस रास्ते, और रास्ते में पूरा फॉग ही फॉग है, और नीचे से आ रहा है फॉग पूरा। अभी यहाँ पर भी फॉग लगना शुरू हो गया, तो अभी निकलते हैं यहाँ से। तो अभी धूप नहीं लग रहा है और दिन और भी बिगड़ रहा है, और भी मौसम खराब हो रहा है, तो इसीलिए चलते ही, ज़्यादा रुक के भी कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पर थोड़ा संभल के रहना है,
जहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड एरिया है वहाँ पर नहीं जाना है, क्योंकि वो बोर्ड में लिखा है यहाँ पर स्नाइपर फायरिंग रेंज। तो इंडियन आर्मी का यहाँ पर आर्मी पूरा तैनात है, बॉर्डर इलाका है, स्नाइपर है भाई। तो अभी एंट्री कर रहा है हम लोग नाथंग विलेज। यहाँ पर भी बहुत सारा होम स्टे है, रहने का बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन बहुत ठंड है इस जगह में भाई। और यहाँ पर पूरा आइस जम गया है। मुझको जाना है मोनेस्ट्री की तरफ। और मोनेस्ट्री जाने के रास्ते में पूरा आइस है भाई। अपने को फिर से चलाना है आइस के ऊपर। पैर घूम रहा है भाई। दिखने में ये पानी जैसा दिख रहा है, लेकिन ये पूरा आइस है। फंस गया फिर से। आराम आराम से निकल दिया सारा। ये तो आइस टूट गया है। और पता नहीं यहाँ से ऊपर तक जाने का रास्ता कैसा है हाईवे तक, क्योंकि ये रास्ता गाड़ी ज़्यादा नहीं चलता है। तिब्बत का पोर्टल पैलेस जैसा ही, लेकिन छोटा वाला। और अभी बहुत ठंड है भाई। यहाँ पे चारों तरफ आइस ही आइस है। मोनेस्ट्री जाना मुझे इस रास्ते से ऊपर है, लेकिन पता नहीं रास्ता खुला है कि नहीं। बाइक अपना उधर है। तो अभी निकलते हैं, अब बाबा मंदिर जाएंगे। आने के टाइम पे यहाँ पर मौसम खुला था, लेकिन अभी पूरा फॉग लग गया। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर फिर से बर्फ गिरने का चांसेस है, क्योंकि बहुत ठंड है अभी। अभी जाना है मुझे ऊपर हाईवे पे, और बाइक अपना इधर है, लेकिन जो शॉर्टकट रास्ता था वो पूरा बिगड़ चुका है। कंडीशन थोड़ा खराब है,
ऐसा यहीं पर और ऊपर ऑफ हिल पे पता नहीं क्या है हालत। अब अगर ऑफ हिल पे भी इसी टाइप का हालत है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उधर। और पूरा घुमा के लेके आना पड़ेगा बाइक को इधर, घुमा के यहीं पर। ऑफ रोडिंग प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ब्लैक आइस का है। जहाँ पर थोड़ा ऑफ रोड है वहाँ पर आइस भी जमा है तो उसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम करेगा बाइक। बाइक अपना उधर है और ये रास्ते में पूरा ऑफ रोड भी है, ऊपर से आइस भी है, तो यहाँ पर चलाना थोड़ा चैलेंजिंग होगा और रिस्की भी रहेगा। तो इसीलिए पूरा इधर से लेके आना पड़ेगा अभी मुझे। तो एक बार इधर से जाने का ट्राई करता हूँ, ऊपर तक देखते हैं, ऊपर जाने का ट्राई करेंगे। ऊपर रास्ता अच्छा है तो जाएंगे, कारपेटिंग है तो, वरना फिर लौटना पड़ेगा मुझे आधे रास्ते से। अगर रोड सही है तो सही होता तो इधर से ही चला जाता, लेकिन रोड थोड़ा ख़राब है इसलिए घूम के जाना पड़ रहा है। हाईवे थोड़ा ऊपर ही है, सिर्फ एक टर्निंग ऊपर, यहाँ से आधा किलोमीटर से भी कम है। लेकिन रोड नहीं है क्या यहाँ से? रोड तो है, ये वाला आइस हॉकी के लिए रेडी किया है, लेकिन अभी ऑपरेशनल नहीं है। इतने ठंड में कौन खेलेगा हॉकी? उश, 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 फिसलने वाला था भाई। मेन रोड जो है वो ऊपर है, वही ऊपर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। अरे कौन सा रास्ता जाना था मुझे? यहाँ से भी एक रास्ता है, इसमें थोड़ा संभल के जाना चाहिए, बाकी तो सब चल जाएगा भाई। ये वाला थोड़ा रिस्की है भाई,
अच्छा हुआ ये कार्पेटिंग रोड है, वहाँ से इधर तक आने के लिए पूरा घूम के आना पड़ा मुझे। और मेन रोड वही पर है जहाँ पर आदमी लोग देख रहे हैं ऊपर, वही मेन रोड है। होप कि रास्ता अच्छा हो। यही है मेन रोड, पहुंच गया मैं गैंगटॉक। यहाँ 69 किलोमीटर है वहाँ पर लिखा है। और मौसम इधर से और भी खराब है, देखो पूरा बादल ही बादल। और फील भी थोड़ा कम हो रहा है, ठंड के वजह से वाइजर ऑफ करना चाहता हूँ, लेकिन वाइजर ऑफ करने से पूरा फॉग लग जाता है इसमें और आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो इसीलिए वाइजर ऑन करके जा रहा हूँ। और पूरा गाल लाल हो गया ठंड के वजह से। रोड पे स्नो है, स्नो जम गया है। तो वे निकल रहे हैं बाबा मंदिर की तरफ। और यहाँ पर रास्ते पे कई जगह पर कैमरा और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं करते, तो वहाँ पर वीडियोग्राफी मैं नहीं करूँगा। यहाँ पर पूरा रॉकी माउंटेन्स बहुत बढ़िया दिख रहा है अभी। मंदिर पहुंच गए हम, यही रास्ते से मैं आया, पूरा बर्फ से ही बर्फ ही बर्फ। बाइक को इधर पार्किंग कर दिया, अभी कैंटीन जाके कुछ खाते हैं।